नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहिन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में 2 मिनट मौन धारण कर दी गई श्रद्धांजलि। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित बारले का छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री ने शनिवार को किया सम्मान। राज्य शहरी विकास अभिकरण के स्वच्छता प्रतियोगिता में भिलाई नगर निगम ने मारी बाजी। तांदुला जलाशय में कटक की डीआरएफ टीम ने किया बाढ़ आपदा बचाव का रेस्क्यू। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट में शनिवार को सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन धारण कर देश की आजादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। जिले के शासकीय कार्यालयों में 11 बजे सायरन बजने की आवाज पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं ग्रैंड न्यूज परिवार ने भी इस कार्य में अपनी सहभागिता निभाई। देश विदेश में पंथी नृत्य से अपनी पहचान बना चुके पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भिलाई स्टेशन मरोदा निवासी आरएस बारले का सम्मान छत्तीसगढ़ खाद्य योजना और संस्कृति विभाग के मंत्री अमरजीत भगत गुरुवार को स्टेशन मरोदा पहुंचे। देश ही नहीं विदेशों में भी लगभग 5,000 पंथी नृत्य का कार्यक्रम कर अपनी एक अलग ही पहचान बनाने वाले भिलाई स्टेशन मरौदा निवासी आरएस बारले को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित आरएस बारले का सम्मान छत्तीसगढ़ राज्य के खाद्य योजना और सांस्कृतिक विभाग के मंत्री अमरजीत भगत ने उनके निवास स्टेशन मरौदा पहुंचकर किया। वहीं उक्त अवसर पर छत्तीसगढ़ की नन्ही गायिका आस साहू ने भी बाबा का गीत गाकर मंत्री अमरजीत भगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज हम लोग बारले जी के निवास में आए हैं उनको बधाई देने के लिए। इनको पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है, इनका नाम चयनित हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के लिए, पंथी कलाकारों के लिए बहुत सम्मान्य की बात है और उस सम्मान को आज हम लोग यहाँ पर सम्मानित करने आए हैं। उस विभूति को जो छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, पंथी गायकों का नाम रोशन किया है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित आरएस बारले के निवास पर जब छत्तीसगढ़ शासन के सांस्कृतिक मंत्री पहुंचे तो वो आत्मविभोर हो गए। शाल और श्रीफल से सम्मान मिलने के बाद उन्होंने अपनी बातें मीडिया से भी शेयर की। हमको छत्तीसगढ़ शासन में भारत सरकार के सहयोग से आज वर्ष 2021 का जो मुझे पद्मश्री अवार्ड देने के लिए जो नामांकित किया है गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, उसके लिए चूँकि मैं संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित कला और यहाँ की जो विधा है प्रदेश की जो पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ शासन का, और पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के उपदेश और संदेश, उसके जीवन दर्शन को हम पंथी नृत्य के माध्यम से देश और दुनिया तक कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बाबा के संदेशों को पहुँचाने का प्रयास किया है। और मैं विगत 40 वर्षों से पंथी नृत्य को लेकर के अब तक लगभग 4,000 से 5,000 मंच में अपनी प्रस्तुति दे चुका हूँ। स्टेशन मरौदा में निवासरत लोगों ने पद्मश्री सम्मान के लिए शासन को धन्यवाद दिया। हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि एक छोटे से वार्ड के व्यक्ति जिसे आज पूरे हिंदुस्तान में पद्मश्री जैसे महान सम्मान से सम्मानित किया गया है। हम सभी स्टेशन मरौदा नगर निगम रिसाली की ओर से माननीय डॉक्टर आर एस बारले जी और छत्तीसगढ़ शासन साथ साथ भारत सरकार को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसे महान कलाकार का सम्मान किया और कलाकार के साथ साथ हमारे वार्ड का, हमारे प्रदेश का सम्मान पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर साहब के माध्यम से हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य शहरी विकास अभिकरण के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रतियोगिता आयोजित की गई। कोरोना काल को देखते हुए इस वर्ष प्रतियोगिता का प्रारूप ऑनलाइन था, जिसमें ड्राइंग प्रतियोगिता, छत्तीसगढ़ी स्वच्छ नाचा प्रतियोगिता, स्वच्छ होटल, स्वच्छ अस्पताल, स्वच्छ संस्थान जैसी प्रतियोगिता रखी गई थी। भिलाई की जनता ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाते हुए इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लिया था। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विभिन्न तरह की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।
कोरोना काल को देखते हुए इस वर्ष प्रतियोगिता का फॉर्मेट ऑनलाइन था, जिसमें भिलाई नगर निगम की जनता ने छत्तीसगढ़ राज्य शहरी विकास अभिकरण वेबसाइट के माध्यम से अपना पंजीयन करा, प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता के परिणाम वेबसाइट में जारी हो चुके हैं। चुनिंदा विजेता प्रतिभागियों को इनाम के एवज में राशि प्रदान की जाएगी, जो प्रतिभागी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एवं कुछ प्रतिभागियों को बहुत जल्द प्रशस्ति पत्र के माध्यम से सम्मानित भी किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत जो है हमेशा प्रतियोगिताएं आयोजित होती रही हैं, और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है प्रतियोगिताएं आयोजित हुई हैं, परंतु कोरोना काल को देखते हुए इस वर्ष जो है ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। राज्य शहरी विकास अभिकरण के द्वारा जो है ये प्रतियोगिता पूरे छत्तीसगढ़ में किया गया, उसके साथ ही भिलाई में भी यहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिताएँ थी जिन पे लोगों ने वेबसाइट के माध्यम से अपना पंजीयन कराकर उसमें भाग लिया है। जो नए हट के जो स्वच्छता में काम किए होंगे उन लोगों ने जो है अपने पूरे प्रतिभा को निखारने के लिए उनको एक अवसर जो है शासन के द्वारा दिया गया था। उस प्रतियोगिता में काफ़ी लोगों को जो है परिणाम आ चुका है, और परिणाम के हिसाब से उनको जो है उनके अकाउंट में जो है पुरस्कार की राशि भी जाएगी। मैं भी सभी को बधाई देता हूँ जो स्वच्छता में अच्छा काम किए हैं, उनको पुरस्कार वाजिब है मिलना। छत्तीसगढ़ राज्य शहरी विकास अभिकरण के तत्वाधान में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण प्रतियोगिता के माध्यम से स्वच्छता मित्र अपने प्रतिभा के द्वारा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के संदेश देते आए हैं, जिसे लेकर राज्य शासन भी समय समय पर इन्हें सम्मानित कर इनके हौसले बुलंद करता रहा है, जिससे भिलाई नगर निगम देश के स्वच्छ शहरों की तरह स्वच्छता सर्वेक्षण में अपना स्थान प्राथमिक रूप से दर्ज करा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए सूरज सिंह की रिपोर्ट। बालोद में कटक से आई DRF की टीम ने तांदुला जलाशय में बाढ़ और आपदा से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल किया। 2 दिवसीय इस आयोजन में 40 लोगों की टीम ने अपनी कार्य क्षमता का प्रदर्शन किया। बालोद के तांदुला जलाशय में शनिवार को DRF की टीम ने बाढ़ और आपदा से बचाव के लिए मॉक ड्रिल किया। इस 2 दिवसीय मॉक ड्रिल में NDRF की 3री वाहिनी बटालियन मंडली कटक की 40 सदस्यीय टीम ने बाढ़ में फंसे हुए व्यक्ति को किस तरह से बचाया जाए, इसका गोताखोरों ने पानी की गहराई में जाकर डमी व्यक्ति को बाहर निकालकर दिखलाया। वही मेडिकल की सहायक टीम द्वारा CPR का भी लाइव प्रदर्शन किया गया। अप्रत्यक्ष विधि से रिमोट कंट्रोल लाइफ बॉय द्वारा किए गए मॉक ड्रिल में 4 मोटर बोट का प्रयोग किया गया। इस अवसर पर NDRF की टीम के साथ छत्तीसगढ़ की SDRF की टीम, RRC की टीम भी साथ रही। यहाँ पे हमारी NDRF 3rd बटालियन की एक टीम आई हुई है, और उसमें जो है सहयोगी रूप से भाग लिया RRC जो टीम भिलाई में रहती है हमेशा छत्तीसगढ़ के लिए जो तैनात की गई है, उसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन का जो SDRF है उनकी भी टीम शामिल थी इस प्रोग्राम में। इस ड्रिल का जो उद्देश्य था वो जिला प्रशासन के साथ सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित करना, ताकि बाढ़ या किसी अन्य आपदा में उसको सुव्यवस्थित तरीके से और सुनियोजित तरीके से निपटा जा सके, और साथ ही साथ लोगों में भागीदारी और उनमें जानकारी का बढ़ावा देना भी। NDRF की टीम अपने 2 दिवसीय प्रवास पर बालोद जिले में आज यहाँ उपलब्ध हैं। कल इनका टेबल टॉक का कार्यक्रम हुआ था, और सैद्धांतिक रूप से मोटी मोटी बातों की जानकारी टेबल टॉक में उपस्थित जिला प्रशासन के अधिकारियों को इनके द्वारा दी गई थी, और आज यहाँ तांदुला डैम में व्यावहारिक प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया। रेस्क्यू किस तरह किया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का यहाँ पर बहुत उम्दा प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया। निश्चित रूप से NDRF की टीम के जो मेंबर हैं वो अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जानों की रक्षा करते हैं, जो आपदा पीड़ित लोग हैं उनको बचाव का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से आज एक बहुत अच्छा प्रदर्शन इनको देखने को मिला। भिलाई नगर निगम ने करोड़ों की टैक्स वसूली को लेकर निगम आयुक्त ने कुर्की वारंट जारी किया है। इस टैक्स में 5 लाख से लेकर 12 लाख तक के बकायादारों की सूची निगम ने बनाई है, जो कि पिछले 22 सालों से निगम का टैक्स नहीं पटा रहे हैं। भिलाई नगर पालिक निगम के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने शुक्रवार को निगम सभागार में निगम अधिकारियों की बैठक ले टैक्स वसूली करने का आदेश दिया। वर्ष 1999 से संपत्ति कर नहीं जमा करने वाले बकायादारों की सूची जारी की, जिसमें 5 लाख से लेकर 12 लाख तक की राशि के बकायादार हैं, जिसमें स्मृति नगर निवासी विजय प्रकाश का 16,12,183 रुपए का संपत्ति टैक्स सबसे ज्यादा है। वहीं इंडस्ट्रियल एरिया निवासी विवेक मिश्रा की 5,04,480 रुपए की संपत्ति टैक्स सबसे कम है।
देखिए, संपत्ति कर वसूली की समीक्षा बैठक जो है वित्तीय वर्ष 2020 और 21 की जो वसूली है उसको लेकर माननीय आयुक्त महोदय ने समस्त राजस्व के अधिकारियों और जो मुख्य ऑफिस में उपस्थित संपत्ति कर के अधिकारी हैं और इस पेरुक टीम जो वसूली करती है डोर टू डोर, उसकी बैठक ली। और बैठक में कई सारे ऐसे मामले थे जिसमें काफ़ी वर्षों से जो 1999 से 20 वर्ष हो गए हैं वो लोग संपत्ति कर जमा नहीं किए हैं, उन पर जो है क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या अग्रिम कार्रवाई की जानी है उस पर चर्चा की गई। कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसमें जो पोस्ट चेक देते हैं और चेक बाउंस हो जा रहा है, उन पर भी व्यक्तिगत रूप से उनका, चूंकि चेक बाउंस होना फर्जीवाड़ा मामला होगा और इस प्रकार से उन पर भी कार्रवाई करने के निर्देश जो है FIR करने के सीधे सीधे निर्देश जो है मध्य द्वारा ऐसे लोगों पर दिए गए हैं। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी, बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी, तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वासुगुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ दो यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ चार वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Barat Swagat, including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता, एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त होटल शिव प्रभा इन, नई साज सज्जा के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। पार्टी मीटिंग के लिए विशेष व्यवस्था, हर रूम में घर जैसा माहौल पाएं, एक बार सब परिवार आएं। नए बिजनेस रूम, नए एग्जीक्यूटिव रूम, साथ में 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा, गर्म और ठंडे पानी की सुविधा, वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा, शादी पार्टी के लिए एसी हॉल। स्थान भिलाई के हृदय स्थल नंदिनी रोड से लगा हुआ, यात्रियों की सुविधा के लिए भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से चंद कदम की दूरी पर। वहीं राजधानी स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर संचालित आपका अपना होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन की द फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही होटल अपना केसरी लॉज की भी सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग के सनिचरी बाजार स्थित श्री लंगूरवीर मंदिर समारोह शनिवार को आयोजित किया गया, जिसमें झूले और मड़ई मेले के साथ महिलाओं द्वारा की गई कबड्डी की प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्ग के सनिचरी बाजार स्थित श्री लंगूरवीर मंदिर का वार्षिक उत्सव समारोह शनिवार को आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मंदिर समिति के सदस्यों और क्षेत्र के लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। प्रतिवर्ष होने वाले इस आयोजन में इस वर्ष मड़ई मेले में झूले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा कबड्डी प्रतियोगिता लोगों के आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें दुर्ग, भिलाई, चरौदा, बिलासपुर, राजनांदगांव सहित कुल 18 टीमों ने हिस्सा लिया और बेहतर प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि श्री लंगूरवीर मंदिर का वार्षिक समारोह इस वर्ष पूरी तरह महिलाओं पर आधारित रहा। आयोजन में इस वर्ष भी मड़ई मेला लगाया गया, जिसमें छोटे छोटे व्यापारियों ने एक से बढ़कर एक पकवानों की दुकानें सजाई। आयोजन को लेकर श्री लंगूरवीर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मानव कुमार सोनकर ने बताया कि पिछले कई वर्षों से मड़ई मेले का आयोजन किया जाता रहा है और इस वर्ष मातृ शक्ति को समर्पित कर मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें महिला कबड्डी विशेष आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी रखा गया है। मंडई मेला 100 वर्ष पूर्व से भरता रहे हैं और इस वर्ष भी उसी परंपरा के अनुसार भराया जा रहा है मंडई मेला। इस बार का मंडई मेला में विशेष मातृशक्ति को समर्पित किया गया। इस बार का मंडई मेला लंगूरवीर बाबा का वार्षिक उत्सव दुर्ग मंडई है। श्री लंगूरवीर कप के रूप में उनको एक बहुत बड़ी स्मृति चिन्ह कप दिया जा रहा है, साथ में पुरस्कार राशि, नगद राशि भी है, 4 टीमों को दी जा रही है। फिलहाल मड़ई मेले का आयोजन मंदिर समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है और इस वर्ष भी भव्य आयोजन किया गया, जो मातृ शक्ति को समर्पित रहा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। नगर निगम दुर्ग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी छत्तीसगढ़ XCG ऑनलाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर हुनर दिखाने वाले प्रतिभागियों को दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। दुर्ग नगर निगम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 2020 एवं 2021 को आयोजित 1CG ड्राइंग संगवारी नाचा क्वीन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत अपने अपने संस्थानों को, विद्यालयों को या अपने आसपास साफ सफाई रखे जाने को लेकर ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें इन क्षेत्रों से संबंधित लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को शनिवार को दुर्ग नगर निगम परिसर में सम्मानित किया गया।
प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतियोगियों को दुर्ग विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने प्रशस्ति पत्र दिया। कार्यक्रम में निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन, अब्दुल गनी सहित बड़ी संख्या में पार्षद, MIC मेंबर व निगम के अधिकारी शामिल रहे। प्रतियोगिता को लेकर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल व निगम दुर्ग के स्वास्थ्य प्रभारी हमीद खोकर ने विभिन्न जानकारियां दी। सर्वेक्षण 2021 को लेके 1CG प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था ऑनलाइन, जिसमें स्वच्छतम विद्यालय, होटल, मोहल्ला, हॉस्पिटल, बाजार, कार्यालय, वार्ड, अलग अलग क्षेत्रों को में ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और उस आधार पे आज जो पुरस्कार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा ये आदेश आया था, उस आधार पे आज पुरस्कार का वितरण किया गया है। 1CG स्वस्थ विद्यालय, होटल, मोहल्ला, हॉस्पिटल, बाजार, इस तरह के पूरे शहर के साफ सफाई जो सबसे अव्वल रहते हैं उनके चयनित किया गया। हमारी टीम आई हुई थी, टीम ने पूरा चयनित किया, सबसे साफ़ सुथरा मार्केट, सबसे साफ़ सुथरा होटल, सबसे साफ़ सुथरा स्कूल, सबसे साफ़ सुथरा विद्यालय, इन सब की जांच की गई, सबसे साफ़ सुथरा थाना, सबसे सब जगह रैकिंग की गई, जिस कचरे से रिसाइकलिंग हो सकती है उसे रिसाइकलिंग के लिए दिया जा रहा है और बेहतर तरीके से हमारे शहर को सुंदर और साफ़ सुथरा बना रहे हैं। वहीं प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर विजयी होने वाले स्कूल के शिक्षकों ने भी बताया कि शहर और अपने आसपास साफ सफाई रखे जाने जैसे विषय पर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें हमने हिस्सा लिया और जीते भी, जिससे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अरे पुरस्कार जो मिला उससे हमें जो है बहुत खुशी हुई है और हमारे जो है छत्तीसगढ़ को, हमारे स्कूल को इतने अच्छे पुरस्कार से नवाजा गया है, उसके लिए मैं नगर निगम को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। स्वच्छता ही हमारी सब कुछ है, अगर हम स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और सारे समाज को, देश को भी जो है स्वच्छ रखेंगे। हम लोगों को स्कूल क्षेत्र में मिला है, हमने अपने स्कूल को स्वच्छ रखने की कोशिश की और आज की स्थिति में हमारा स्कूल दुर्ग में स्वच्छता में नंबर 1 है, इसी के सिलसिले में हमें स्वच्छता पुरस्कार मिला। आगे ये प्रयास रहेगा कि हमारा स्कूल जैसे आज स्वच्छता में नंबर 1 है वैसे ही हमेशा नंबर 1 बना रहे, ताकि और बाकी स्कूलों को उससे प्रेरणा मिले। फिलहाल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतियोगियों के चेहरे में खुशी देखने को मिली और आगे भी निगम द्वारा इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित करने की बातें कही गई हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि कांग्रेस जन एवं आम जन के द्वारा दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन भिलाई 3 के सिरसा गेट चौक पर आयोजित किया गया था। भिलाई चरोदा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शनिवार को सिरसा गेट चौक पर 11:30 बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी आम जन एवं कांग्रेसियों ने बापू के तैलचित्र पर बारी बारी से पुष्प अर्पित किए। पुण्यतिथि के अवसर पर भजन कीर्तन भी किया गया। जिलाध्यक्ष निर्मल कोसरे, ब्लॉक अध्यक्ष मनोज मढ़रिया एवं अशफाक खान ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा, बापू के बताए रास्ते में चलकर ही देश तरक्की करेगा। हम सब युवाओं को नशापान को त्याग करना चाहिए, अहिंसा के मार्ग को अपनाना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में एक नाम आता है मड़ई का। मड़ई में जहां पर लोग अपनी सुविधा अनुसार पहुंचकर मेले का आनंद उठाते हैं, ऐसे ही मड़ई का आयोजन शुक्रवार को नेवई भाटा में किया गया। विगत 11 वर्षों से नेवई भाटा में मुकुंद भाव के नेतृत्व में मड़ई का आयोजन किया जाता है। इस मड़ई में पुराने हाथ झूले, सामानों की दुकानें और मिठाई नमकीन की दुकानें लगाई गई थी। मड़ई में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र हाथ वाला झूला था, जहां पर बच्चे और महिलाओं की भीड़ झूला झूलने के लिए अपने नंबर का इंतजार करते देखी गई। मड़ई मेला का आयोजन किया गया है, बड़ी खुशी की बात है कि 9 वर्ष में हम लोग प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 वर्ष की बधाइयों के साथ में आज ये मंडई मेला का आयोजन हमने किया है। बहुत अच्छा माहौल और बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण, बिना झगड़ा लड़ाई के बहुत ही हंसी खुशी के साथ में लोग इस मेले का आनंद उठा रहे हैं। हम सभी को यहाँ आए हुए जितने नागरिकगण हैं, जितने व्यापारी गण हैं, सबको बधाई देते हुए मंडई मेला की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्ष में भी इसी तरह हम लोग 9 वर्ष को मनाएं और बहुत ही सुंदर मतलब इसका आयोजन करें
इन्हीं भावनाओं के साथ में आप सभी को बधाई। शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक दुष्कर्म करने वाले युवक शैलेंद्र वर्मा को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक से पुलिस ने पूछताछ कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया है। पुलिस के गिरफ्त में खड़ा यह युवक शैलेंद्र वर्मा है, जो पिछले 15 सालों से एक युवती के संपर्क में था और शादी का झांसा देकर उसके साथ अलग अलग स्थानों पर जाकर दुष्कर्म किया करता था। युवती ने जब युवक के सामने शादी की इच्छा रखी तो युवक ने युवती से शादी करने से इनकार कर दिया और किसी अन्य महिला के साथ शादी के बंधन में बंध गया। इस बात की भनक जब पीड़िता को लगी तो पीड़िता ने आरोपी शैलेंद्र वर्मा के खिलाफ दुर्ग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने तत्काल शैलेंद्र वर्मा को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी रमेश बागड़े ने बताया कि पूर्व में भी महिला के द्वारा युवक के खिलाफ शिकायत की गई थी, लेकिन लिखित शिकायत नहीं किए जाने के कारण FIR नहीं हो पाई थी और अब जब लिखित तौर पर पीड़िता द्वारा शिकायत की गई है तो आरोपी शैलेंद्र वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। कल एक महिला पीड़िता हमारे थाने में रिपोर्ट लिखाई कि उसके साथ एक शैलेंद्र वर्मा नामक व्यक्ति है, उनकी पुरानी जान पहचान है, 15 साल से उनकी दोस्ती थी और शादी का प्रलोभन देकर उनसे शादी करूँगा करके कई बार शारीरिक शोषण किया था और शादी का झांसा देकर उसे कई बार उसके साथ अलग अलग जगहों पर उसने अपना शारीरिक संबंध बनाया और आखिरी में वो लड़का शादी नहीं किया, अपनी दूसरी शादी कर लिया। इसके पश्चात वो लड़की काफ़ी परेशान थी और कल आई तो हमने तत्काल उसका FIR दर्ज किया और उसको तलब करके आरोपी को तलब करके थाना में पूछताछ किए तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। आज विधिवत उसको गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाएगा। फिलहाल आरोपी शैलेंद्र वर्मा के खिलाफ 376 का मामला दर्ज कर उसे जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही, अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।